फैशन आज हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बाजार में तरह तरह के डिजाइनर ब्रांड्स की उपस्थिति ने हमारे लिए कई सारे ऑप्शंस क्रिएट किए हैं। मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर और किड्स वेयर के इतने सारे पहनावे मौजूद हैं कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। सभी के अलग अलग अपने चहेते फैशन ब्रांड्स हैं और अपने फैशन डिजाइनर्स हैं, जिनके डिजाइन्स ने लोगों को अपना दीवाना बना के रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया का पहला फैशन डिजाइनर माना जाता है, चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद के डिजाइन्स किए कपड़ों पर अपना लेबल लगाने का चलन शुरू किया। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ का जन्म 13 अक्टूबर 1825 में इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। इनके पिता विलियम, जो पेशे से एक वकील थे, जिन्होंने इनकी माँ एन को तब छोड़ दिया जब वर्थ की उम्र 11 वर्ष की थी। जल्द ही घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। माँ के साथ रह रहा वर्थ महज 11 वर्ष की आयु में ही पढ़ाई को छोड़ काम पर लग गया। शुरुआती दिनों में इन्होंने एक प्रिंटर शॉप पर काम किया। बावजूद इसके इनके घर की स्थिति बेहतर ना हुई, ऐसे में इन्होंने कुछ और भी काम किए। संघर्षों से भरा इनका बचपन यूं ही बीतता रहा और फिर एक सुनहरे भविष्य की तलाश में 1846 में 21 वर्ष की आयु में वर्थ इंग्लैंड छोड़ फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचते हैं। खस्ता हालत ऐसी थी, ना तो ठीक से फ्रेंच बोलना आता था और जेब में थे भी मात्र 5 पाउंड। खैर, जैसे तैसे कुछ समय के बाद एक फ्रेंच कंपनी गैगलिन ओपेगेज एंड सी में सेल्स असिस्टेंट की जॉब लगती है। यह कंपनी सिल्क फैब्रिक और तरह तरह के शॉल्स बेचा करती थी। जल्द ही वर्थ वहां के कस्टमर्स के बीच अपने अच्छे व्यवहार और फैब्रिक की जानकारी के कारण फेमस होने लगे। इसी बीच इनकी मुलाकात मेरी वर्नेट से हुई, जिनसे पहले तो दोस्ती हुई और फिर 1851 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। वर्थ ने गैगलिन में बेची जा रही शॉल्स के मुताबिक कुछ ड्रेसेस बनाए। शुरुआत में ये काफी साधारण डिजाइन थे, पर स्टोर में आ रहे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। ड्रेसेस की सफलता को देखते हुए गैगलिन वालों ने वर्थ को अलग से एक ड्रेस डिपार्टमेंट खोलने की अनुमति दे दी, जिसे चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ का ड्रेस मेकिंग की दुनिया में पहला कदम माना जा सकता है। बहुत ही जल्द वर्थ के काम को सराहा जाने लगा। ऐसे में वर्थ ने खुद का ही बिजनेस शुरू करने का सोचा और साथ मिला मेरी वर्नेट का। अब दोनों मिलकर वर्थ के बनाए डिजाइन को बेचना शुरू करते हैं। मेरी वर्नेट ने वर्थ का बखूबी साथ निभाया। मेरी वर्नेट को दुनिया का पहला प्रोफेशनल मॉडल माना जाता है। इन्होंने ही वर्थ के डिजाइन को पहनकर काफी लोकप्रिय बनाया। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ की सफलता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके डिजाइन इतने फेमस होने लगे कि फ्रांस की महारानी यूजनी ने अपने रॉयल ड्रेसेस की जिम्मेदारी वर्थ को सौंप दी। उन दिनों ड्रेस मेकर्स ही अपने क्लाइंट्स के पास जा कर उनके अनुसार नए डिजाइन बनाया करते थे, पर अब वर्थ की पॉपुलरिटी और बिजी शेड्यूल के कारण अब क्लाइंट्स ही वर्थ के शॉप पर आकर वर्थ के सजेशन के अनुसार ड्रेस बनवाना पसंद करते थे। वर्थ के रॉयल क्लाइंट्स में एक नाम ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ का भी था। इनके अलावा हाई सोसाइटी की पॉपुलर स्टार्स भी इनके डिजाइन की दीवानी थी, जैसे फ्रेंच स्टेज एक्ट्रेस सारा बर्नहार्ट, ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस लिली लैंगट्री, स्वीडिश ओपेरा सिंगर जेनी लिंड वगैरह वगैरह। शुरुआत में जहां 50 लोग वर्थ के साथ काम कर रहे थे, वहीं समय और बढ़ते काम के साथ अब 1200 लोगों की टीम बनाई गई, जो बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन्स में वर्थ का साथ दे रहे थे। ये वो वक्त था जब अधिकतम काम हाथ से ही हुआ करता था। हालांकि सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया था, जिसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ को फैशन शो का भी जनक माना जाता है। 1860 के दशक में ये एक ऐसे इकलौते डिजाइनर थे जो अपने डिजाइन्स को लाइव मॉडल्स पर प्रेजेंट करते थे। हालांकि उस समय का फैशन शो थोड़ा अलग हुआ करता था। रेस्टोरेंट या किसी फेमस पब्लिक प्लेस में इस तरह के शो हुआ करते थे, जिनमें कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही इन्वाइट किया जाता था। संघर्ष भरी शुरुआती दिनों के बाद एक सफल फैशन डिजाइनर तक के सफर का अंत 10 मार्च 1895 में हो गया। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ की मृत्यु 69 वर्ष की आयु में निमोनिया के कारण हुआ था।